केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिएगा। रिकवरी पर 3.32 रुपए प्रति क्विंटल का अतिरिक्त प्रीमियम मिलेगा। पहला निर्णय तो ये था जिससे किसानों के आमदन भी बढ़े। और मैं एक आंकड़ा आपके सामने जरूर बताना चाहता हूं, 2014 से पहले हम सब जानते हैं किसानों को खाद के लिए भी सड़कों पर उतरना पड़ता था, नहीं मिलती थी। उस समय गन्ने की सही कीमत और पैसा भी उनको नहीं मिलता था, साल साल दो दो साल इंतज़ार करना पड़ता था। अगर मैं केवल पिछले 4-5 सालों का भी उदाहरण दूं, तो सन 2019-20 ये जो वित्तीय वर्ष है, इसमें 75,854 करोड़ रुपया किसानों को मिला, किसान गन्ना किसानों को, और 2020-21 में 93,011 करोड़ रुपया मिला, 2021-22 में 1,18,618 रुपये मिले, और 2022-23 में 1,14,005 रुपये मिले। और ये लगभग 99.9% पैसा इनके खाते में सीधा चीनी मिलों द्वारा दिया गया। और इस साल भी अब तक 81% से ज़्यादा पैसा अब तक मिल चुका है। तो कैसे मोदी सरकार की गारंटी, मोदी की गारंटी जो है किसानों की आमदन को दुगना करने के लिए लगातार, इसके लिए हम प्रतिबद्ध भी हैं और सारे कदम उस दिशा में उठाए गए हैं। दूसरा निर्णय, क्योंकि किसान के पास पशुपालन का भी काम होता है, तो नेशनल लाइव स्टॉक मिशन के अंतर्गत एक सब स्कीम, ये हमारे पशुपालन और डेयरी विभाग के मंत्रालय से जुड़ा हुआ है, इसमें एक बड़ा परिवर्तन लाने के लिए, क्योंकि जो हमारे पैक एनिमल्स होते हैं यानी कि भारवाही पशु जैसे कि घोड़े, ऊंट, गधा, खच्चर आदि की संख्या देश भर में घट रही है और देसी नस्ल की कुछ प्रजातियां लुप्त होने के कगार पर हैं, तो इसलिए पशुधन एवं पोल्ट्री की प्रोडक्टिविटी में सुधार लाने के लिए तथा फॉडर और फीड की उपलब्धता को बढ़ाने के लिए नेशनल लाइव स्टॉक मिशन चलाया जा रहा है। और इसके अंतर्गत ब्रीड इम्प्रूवमेंट, नस्ल को सुधार करने के लिए ब्रीड मल्टीप्लिकेशन फॉर्म बनाने का काम हो रहा है, अच्छी क्वालिटी के फॉडर के सीड प्रोडक्शन और सर्टिफिकेशन संबंधी कार्य किए जा रहे हैं। और इसके लिए एंटरप्रेन्योर्स के रूप में कोई व्यक्ति हो, इंडिविजुअल हो, सेल्फ हेल्प ग्रुप हो, फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन हो, फार्मर्स की कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन हो, इन सबको 50% कैपिटल सब्सिडी इसका प्रावधान दिया गया है और जिसकी अधिकतम सीमा 50,00,000 रुपया रखी गई है। इसके अतिरिक्त पशुधन का इंश्योरेंस और रिसर्च एंड डेवलपमेंट के कार्य भी किए जाते हैं। अब मैं इसमें थोड़ा विस्तार में अगर आपको कहूं तो पैक एनिमल्स जैसे कि घोड़े, ऊंट, गधा, खच्चर के ब्रीड मल्टीप्लिकेशन के कार्यों को भी लिया जाएगा और पशुधन जैसे कि पोल्ट्री और पैक एनिमल्स के ब्रीडिंग फार्म को स्थापित किया जाएगा। इसके साथ साथ देश में फॉडर की उपलब्धता को बढ़ाने के लिए डिग्रेडेड फॉरेस्ट लैंड तथा नॉन फॉरेस्ट वेस्ट लैंड, चारागाहों, बंजर भूमि में भी फॉडर के प्रोडक्शन यानी कि चारा के प्रोडक्शन के कार्य को भी लिया जाएगा। तो इसके प्रोडक्शन को प्रोत्साहन देने के लिए गोडाउन की सुविधा हो, रिसीविंग शेड हो या फिर ड्राइंग प्लेटफॉर्म या मशीनरी हो, इसके लिए भी कैपिटल सब्सिडी दी जाएगी। इंश्योरेंस को प्रोत्साहित करने के लिए सभी प्रकार के पशुधन जिसमें अब पैक एनिमल्स को भी इंश्योरेंस करने का लाभ मिलेगा, अब इसमें एक समान इनको प्रीमियम देना पड़ेगा। पहले लगभग 20% से लेकर 50% तक प्रीमियम देना पड़ता था, अब 15% ही प्रीमियम देना पड़ेगा। और इंश्योरेंस की सुविधा सुअर और खरगोश, पिग और रैबिट को छोड़कर 5 कैटल यूनिट की बजाय अब 10 कैटल यूनिट के लिए उपलब्ध होगी। और जैसा मैंने कहा, रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए, प्रोजेक्ट के लिए भी
चैलेंज मेथड के आधार पर प्राइवेट इंस्टीट्यूशन को 50% तक सब्सिडी, अधिकतम 5 करोड़ रुपए तक की सहायता इसमें भी मिलेगी। इससे हमें लगभग 20 लाख से ज़्यादा किसानों को चारा के प्रोडक्शन के लिए, कल्टीवेशन के लिए और पशुधन संबंधी गतिविधियों के लिए सहायता प्रदान की जाएगी और पशुओं की इंश्योरेंस और छोटे और सीमांत किसानों को इसका बहुत बड़ा लाभ मिलने वाला है। इससे फीड और फॉडर, इसके उत्पादन के क्षेत्र में भी और बढ़ावा मिलेगा, उसकी उपलब्धता बढ़ेगी और जो हमारे पैक एनिमल, जैसा मैंने कहा, घोड़ा, ऊंट, खच्चर, गधा आदि, इनके भी जेनेटिक इम्प्रूवमेंट को बल दिया जाएगा। जो दूसरा तीसरा निर्णय है वो फ्लड मैनेजमेंट एंड बॉर्डर एरिया प्रोग्राम को लेकर है। ये हमारे जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा इसको किया जाएगा। ये जो हमारी स्कीम है फ्लड मैनेजमेंट एंड बॉर्डर एरिया प्रोग्राम, ये हमारे वाटर रिसोर्सेज, रिवर डेवलपमेंट, गंगा रिजुविनेशन, भारत सरकार के इस प्रोग्राम को 4100 करोड़ रुपए की राशि उपलब्ध करवाई गई है 2021-22 से लेके 2025-26 तक, जिसमें 2930 करोड़ रुपया फ्लड मैनेजमेंट प्रोग्राम कंपोनेंट के लिए, FMP के लिए दिया जाएगा और 1160 करोड़ रुपया RMBA कंपोनेंट के लिए रिवर मैनेजमेंट एंड बॉर्डर एरिया प्रोग्राम के अंतर्गत दिया जाएगा। इसका फंडिंग का पैटर्न जो है ये 60-40 रेशो रहेगी, 60% केंद्र सरकार का, 40% राज्य की सरकार का, और जो पूर्वोत्तर के राज्य और पहाड़ी राज्य हैं, पहाड़ी राज्यों में जम्मू कश्मीर, हिमाचल और उत्तराखंड आता है और नॉर्थ ईस्ट के हमारे बाकी राज्य, इनके लिए फंडिंग 90% भारत सरकार, 10% राज्य की सरकारें देगी और यूनियन टेरिटरीज के लिए 100% हम लोग भारत सरकार की ओर से देंगे। हालांकि फ्लड मैनेजमेंट का काम राज्य की सरकारों का होता है, लेकिन हजारों करोड़ रुपए की सुविधा पहले भी भारत सरकार ने दी, अब इसको अगले 2021-22 से लेकर 25-26 तक इसको किया गया है और इसकी थ्रेशोल्ड लिमिट को भी, एस्टिमेट कॉस्ट जो 100 करोड़ इससे बड़े प्रोजेक्ट हैं उनको भी जनरल कैटेगरी स्टेट और 50 करोड़ जो है वो हमारे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट और पहाड़ी राज्यों के लिए रखा गया है। इसके लिए 4100 करोड़ रुपए की मंजूरी मोदी सरकार ने की है। महिला सुरक्षा के लिए हर कदम हमारी सरकार ने उठाए, कानून बनाने की जरूरत पड़ी तो वो भी बनाए, फास्ट ट्रैक कोर्ट भी बनाए, जल्दी न्याय मिले तो उसकी भी शुरुआत की। और आपको याद होगा ये जो टाइम बाउंड इन्वेस्टिगेशन का प्रावधान से लेके 761 फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट की स्थापना भी की और इमरजेंसी की स्थिति में महिलाओं को 24/7 सहायता, यानी कि 24 घंटे सातों दिन सहायता हेतु देश में एक हेल्पलाइन नंबर 112 नंबर की शुरुआत भी की गई।